कांग्रेस बसपा और भाजपा के बीच पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी के सिंघम अवतार का जवाब पोस्टर वार से दिया है। इस विवादित पोस्टर में शेर पर बैठे सांसद महंत योगी आदित्यनाथ को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, वहीं अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गधे पर सवार दिखाया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पोस्टर जारी किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बैंक रोड से जुलूस निकालकर शास्त्री चौक तक आए। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इन पोस्टरों को चस्पा कर दिया। इस पोस्टर में दाहिनी तरफ भाजपा सांसद महंत योगी आदित्यनाथ को शेर पर सवार दिखाया गया, तो वहीं उनके नीचे लिखे स्लोगन में अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह चेताने का प्रयास किया जा रहा है कि भागो भागो योगी जी आ रहे हैं। पोस्टर के ऊपर संकल्प 2017 अब की बार योगी सरकार लिखा हुआ है। पोस्टर के बाईं ओर ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का फोटो है, वहीं उनके नीचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती को गधे पर सवार दिखाया गया। उस पर ताज घोटाले का स्लोगन देकर उन्हें भ्रष्ट बताने की कोशिश की गई। पोस्टर में सपा सरकार को भी नहीं छोड़ा गया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देश को बांटने वाला और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य इरफान अहमद ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है। सांसद महंत योगी आदित्यनाथ भाजपा का ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि वह महंत योगी आदित्यनाथ को 2017 के चुनाव में प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के लिए जुलूस निकाला है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के सांसद महंत योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के लिए आज जुलूस निकाला है मिशन 2017 के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले गोरखपुर के सांसद महंत योगी आदित्यनाथ जी एक विकास चेहरा हैं और उत्तर प्रदेश की जनता विकास को चाहती है। पिछली प्रदेश की बसपा सरकार में टोटल घोटाला ही घोटाला हुआ है। इधर ओवैसी मुसलमानों को गुमराह करने और बांटने का कार्य कर रहे हैं। पिछली केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पूंजीपतियों और जमाखोरों के हाथों की नचनिया बनी रही और अभी की समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ गुंडा राज कायम है। बदमाश पुलिस की हनक से काफी दूर हैं। अखिलेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 450 दंगे हुए, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों पीड़ित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद, माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है और मुस्लिम समाज भी सुरक्षित रहेगा।